माननीय सभापति मोदी जी, आज महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसा कि हम सब जानते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण होता है वह सरकार का आईना होता है, और निश्चित रूप से जिस दिन अभिभाषण प्रस्तुत किया गया, दोनों सदनों का जॉइंट सेशन बुलाया, और जॉइंट सेशन के अंदर जिस तरह से महामहिम जी ने अभिभाषण के अंदर सरकार की जो आईना प्रस्तुत किया, और जिसमें गांव, गरीब, किसान, युवा, मजदूर, बुजुर्ग, हर वर्ग की बात की गई, कि और साथ ही देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो सरकार काम कर रही है, इस पर अभिभाषण में व्रत रखा। और उस दिन विपक्ष ने जिस तरह से बाइकॉट किया, मैं सोचता हूँ पूरा देश उस दिन देख रहा था कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण प्रस्तुत किया, उसके अंदर जहाँ पूरे देश के अंदर आपने देखा होगा, और सरकार ने जिस तरह से अपने पिछले एक साल के अंदर जो कार्य किया, और उस कार्य को निश्चित रूप से जनता ने उसको सराहा, और जिस समय हम देख रहे हैं कि पिछला पूरा साल जो था कोरोना का काल था, पूरा विश्व इस महामारी से त्रस्त था, लेकिन इस बीच में हमारी सरकार के द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस तरह से सही समय पर सही निर्णय लिया गया, और उस निर्णय की वजह से आपको मैं कह सकता हूं कि देश के अंदर जो रेशियो मृत्यु दर का था, उस मृत्यु दर के अंदर आपने देखा होगा जहां पूरे विश्व के अंदर त्राही त्राहिम हो रहा था, पूरी विस्तृत स्थिति बिगड़ी हुई थी, लेकिन सही समय पर लॉकडाउन का निर्णय लेकर और करोड़ों करोड़ों या हजारों लोगों की जान बचाने का प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम किया गया, और जो कोरोना वायरस के द्वारा जो काम किया उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं इस अवसर पर, जैसा कि हम आप और सब जानते हैं कि विपक्ष के द्वारा जिस तरह से तंज कसे जा रहे हैं, मैं लगातार पिछले दो तीन दिन से देख रहा हूं, और इनकी भी सरकार रही इस देश के अंदर, आज 75 साल हमारे आज़ादी के होने जा रहे हैं, 75वें आज़ादी के उसमें हम प्रवेश करने जा रहे हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा शासन करने वाले आज विपक्ष के अंदर जो बैठे हैं, मैं आज कहना चाहता हूं कि अगर सबसे ज़्यादा शासन किया तो आपने किया, लेकिन उसके बावजूद भी आज जिस तरह से आप योजनाओं को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूं कि आपने अगर अपने समय के अंदर ये काम कर लिया होता तो मैं सोचता हूं आज देश के अंदर ये स्थिति पैदा नहीं होती, और आत्मनिर्भर भारत की हम बात नहीं करते होते, आज तक हमारा देश आत्मनिर्भर भारत हो गया होता, लेकिन उनकी सोच थी। लेकिन इसके बाद में आपने देखा होगा एक ऐसी सरकार आई माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के अंदर, और उसके बाद में देश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक आशा जगी कि अब निश्चित रूप से देश आत्मनिर्भर होगा। और उसके बाद में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने, अध्यक्ष सभापति मोदी जी, जो जो योजनाएं लागू की, उस योजनाओं से निश्चित रूप से उस अंतिम व्यक्ति को लाभ मिला, और उस व्यक्ति के अंदर एक आशा जगी कि वास्तव में हमारे किस तरह से काम होगा। और कोरोना के समय के अंदर भी हर व्यक्ति की एक उस समय एक चिंता में ग्रस्त था, चिंता में था कि कोरोना के समय में देश के किसान की फसल खेत में है, और उसके बावजूद भी सही समय पर कैसे कटेगी, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर निर्णय लिया गया, और सही समय पर सही एडवाइजरी जारी हुई, जिसकी वजह से मजदूरों के अंदर छूट दी गई, और मजदूरों ने सही समय पर फसल को काटा।
और उस समय जो हमारे खरीद केंद्र भी खोले गए और जहां मशीनरीज को एक दूसरे राज्य में जाने के लिए दुविधा आ रही थी तो उसमें छूट दी गई, और उस समय किसान रथ ऐप को भी प्रारंभ किया गया कि ताकि किसानों को एक दूसरे स्थान पर वाहन ले जाने के लिए भी सुविधा हो सके, और साथ ही खरीद केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई गई ताकि सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखकर हम अधिक से अधिक किसान के उत्पादन को खरीद सकें। इस दृष्टि से निश्चित रूप से काम किया गया और जिसकी वजह से किसान का उत्पादन, जो पिछली वर्ष हमारा उत्पादन हुआ था उससे इस वर्ष उत्पादन में वृद्धि हुई, और जिसकी वजह से देश के किसानों को उसका लाभ निश्चित रूप से मिला। और कोरोना के समय में जहाँ पर देख रहे हैं कि कृषि के, निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में लगातार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर और माननीय तोमर साहब के नेतृत्व के अंदर जिस तरह से सरकार ने काम किया और जिसकी वजह से किसानों को किसी प्रकार की कोरोना के अंदर प्रॉब्लम नहीं आने दी गई। और साथ ही मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि उसके बाद आपने देखा होगा सरकार तो इनकी भी रही, लेकिन जिस तरह से जनता के अंदर एक विश्वास हुआ और विश्वास जगा, उसके बाद में चाहे शौचालय की बात करूं मैं, आज़ादी के 70 साल बाद भी इस देश के अंदर हमारी बहन बेटियों को शौच जाने के लिए किसी पेड़ का सहारा लेना पड़ता था या कहीं ऐसी स्थिति होती थी कि उनको अपनी इज्जत बचाने के लिए भी मजबूर होना पड़ता था। लेकिन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसकी वजह से आज देश के अंदर शौचालय की, हर घर के अंदर गरीब व्यक्ति को शौचालय देने का काम किया गया, साथ ही गरीब व्यक्ति को आवास देने का काम भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों के अंदर जो गरीब व्यक्ति रहता है उसकी ये इच्छा होती है कि मेरा भी कभी पक्का मकान बनेगा, और उसके सपने को साकार किया तो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, और प्रधानमंत्री आवास के तहत प्रत्येक गरीब के घर पर प्रधानमंत्री आवास बनाने प्रारंभ किए गए। और साथ ही मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि उज्ज्वला गैस योजना गाँव में क्या स्थिति थी, गाँव के अंदर हमारी बहन बेटियाँ होती थी, जब उनको खाना बनाना होता था तो ये स्थिति होती थी कि वो गीली लकड़ी होती थी उससे खाना बनाती थी, उनकी आंखों में आंसू आते थे, और उन बहनों के अगर आंसुओं को पोंछने का कोई अगर किसी ने काम किया तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, और उज्ज्वला गैस के तहत आज लगभग 10 करोड़ बहनों के घर वहाँ पर जो शौचालय उज्ज्वला गैस योजना के तहत सूचे चूल्हे पहुँचाने का काम किया, 6-7 करोड़, और 1 करोड़ और अभी इस बजट के अंदर भी घोषणा हुई है कि 1 करोड़ बहनों को और उज्ज्वला गैस योजना के तहत चूल्हे दिए जाएंगे, गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। और इसी के तहत मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि गांवों के अंदर हम सब जानते हैं, मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ और हम सब लगभग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, और गाँवों के अंदर अगर लाइट की बात करें तो लाइट का पूरे देश के अंदर उस समय सिर्फ 36% गाँवों के अंदर लाइट हुआ करती थी, लेकिन आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता होती है कि लगभग 90 से 95% घरों के अंदर दीनदयाल उज्ज्वला गैस दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत हमारे गाँव के अंदर उन जो बहनें पढ़ने के लिए सक्षम नहीं हो पाती थी या हमारे जो युवा थे वो पढ़ने के लिए एक लालटेन का या जिस तरह से उपयोग किया करते थे, आज वहाँ पर बहनें हैं या हमारे जो युवा है वो पढ़ने के लिए उस लाइट का इंतजार करते थे, लेकिन वहाँ तक लाइट पहुँचाने का काम, चाहे वो दुर्गम रेगिस्तान हो चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, वहाँ पर पहुँचने का काम किया गया। और इसी के तहत जल जीवन मिशन के तहत अभी हमने अभियान लिया है और घर घर टूटी योजना के तहत हम उनके पानी भी पहुँचाने का काम करेंगे। आयुष्मान भारत योजना के तहत आपको बताना चाहूँगा, आज आयुष्मान भारत योजना के तहत पूरे देश के अंदर आपने देखा होगा 5 लाख तक का इलाज है वो फ्री करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में योजना प्रारंभ की गई। पहले हम सोचते थे कभी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने का एक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति सोच भी नहीं सकता था, लेकिन आज वो व्यक्ति वहां पर जाकर आराम से इलाज करवा सकता है, तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस देश की आजादी के अंदर सबसे ज्यादा शासन करने के बावजूद भी मेरे देश की बहन को इंतजार इतना क्यों करना पड़ा कि सोच का इंतजार उसको 75 साल बाद तक, 70 साल तक इंतजार करना पड़ा, लाइट का भी 70 साल तक इंतजार करना पड़ा, गांव के अंदर आवास का भी 70 साल तक इंतजार करना पड़ा, और ये अगर उनके सपने पहले पूरे हो गए होते तो मैं सोचता हूँ आज देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। लेकिन इनकी सोच सिर्फ इतनी तक थी कि सिर्फ किसान के नाम पर हो या हर व्यक्ति के, उस राजनीति के अतिरिक्त उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से उसका
हम कह सकते हैं। आज मैं देख रहा हूं पिछले लगातार 2-3 दिन से जो चर्चा हो रही है, और मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं कृषि के ऊपर आना चाहूंगा। और कृषि के अंदर अगर बजट की बात करें, मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप अपना बजट देख लीजिए। आपके कृषि के जब उनका बजट 2014 तक का जो बजट था, सभापति महोदय जी, 2014 तक जो कृषि का बजट था वो बजट लगभग 21-22 हजार करोड़ रुपए। इस देश का टोटल कृषि का जो बजट होता था वो सिर्फ 22 हजार करोड़ रुपए हुआ करता था, जिसमें से आधे से अधिक तो सैलरी के अंदर अधिकारियों की सैलरी में चला जाता था। 2011-12-13 जो यूपीए की सरकार के समय में अधिकतम बजट जो था 22 हजार करोड़ रुपए था। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस साल का कृषि का जो बजट है वो 1,24,000 करोड़ है, जो कि 6 गुना अधिक है। जब कृषि का बजट ही बिट्टू भाई को बता एक बार बोल दे, वो शायद नीचे देख रहे हैं बिट्टू भाई जी। कृषि का बजट मैं आपको बताना चाहता हूं, उनके आपके समय का बजट आप ऑनलाइन देख सकते हैं, आप ऑनलाइन देख सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स मंगाकर देख सकते हैं। क्या कृषि का बजट इतना ही होना चाहिए था? सिर्फ कृषि का बजट सिर्फ 22 हजार करोड़। और आज जिस तरह से देश का बजट जो बढ़ाया है, और वो बजट उसमें भी मैं कहना चाहता हूं कि लगभग 75 हजार करोड़, आप सुन लें, आपका टोटल बजट होता था वो टोटल बजट 22 हजार करोड़ रुपए हुआ करता था, लेकिन हमारे बजट में 75 हजार करोड़ तो सीधे किसान के किसान सम्मान निधि के तौर पर उनके खाते में जाते हैं। 75 हजार करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट होता है जो सीधा किसान सम्मान निधि के तौर पर उनके खाते में जाता है, और आपका टोटल बजट 22 हजार करोड़ रुपए हुआ करता था। कहां किसान की आप बात कर रहे हो और किसान के नाम पर राजनीति कर रहे हो? मैं आपको बताना चाहता हूं, आज एमएसपी की खरीद के ऊपर भी आना चाहूंगा। आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, एमएसपी के अंदर जो खरीद थी उसके अंदर भी मैं बताऊं, आपके समय में जो एमएसपी 2013-14 में तक जो 2009 से खरीद थी वो लगभग 267 मिलियन टन, और आज हमारा जो उत्पादन है, जो हमारी खरीद है, वो 2019-20 में 297 मिलियन टन है, जो आपसे बहुत ज्यादा है। और इसके साथ ही मैं आपको और बताना चाहूंगा कि आपकी इसके अंदर दलहन और तिलहन के अंदर भी बात करूंगा मैं। दलहन के अंदर 2009 से सुनो, आप दाल की बात कर रहे हो, दलहन के अंदर आपकी जो रेट थी, आप जो खरीद करते थे टोटल 2009 से 9-10 से लेकर 13-14 तक आपकी जो खरीद थी वो सिर्फ जितनी 645 करोड़ रुपए की खरीद की थी आपने, और हमने 2015 से 2021 तक आपको बताना चाहता हूं आपकी थी 645 करोड़, और हमारी है 49,000 करोड़, जो आपसे 75 गुना अधिक है, आपसे 75 गुना अधिक है उनकी 645 करोड़, और हमारे 49,000 करोड़। और मैं तिलन और कोपरे की बात करूंगा, और उसके अंदर भी आपको बताऊं एमएसपी पर जो हमने खरीद की थी, आपने 9-10 से लेकर 13-14 तक जो खरीद की थी वो 2460 करोड़ रुपए की थी, और हमने जो खरीद की है 2015 से लेकर 21 तक ये 25 हजार करोड़ है, 25 हजार करोड़ आपकी 2400, और जो आपसे 10 गुना अधिक है। कहां किसान की बात कर रहे हो आप कि हम किसान हित में काम कर रहे हैं, और एमएसपी को हमने 1.5 गुना करने का काम किया। और एमएसपी के अंदर आपको बताना चाहूंगा कि धान के अंदर जहां आपकी 2014 में धान के अंदर 1310 रुपए थे, आज एमएसपी पर खरीद हो रही है 1868 रुपए के अंदर, जो 50% हमने बढ़ाई है। और वहीं ज्वार की अगर बात करें तो ज्वार के अंदर आपकी 1500 थी,
और हमारे 2620 रुपए हैं एमएसपी के ऊपर। और वहीं बाजरा की सुन लो, आप सुनते जाओ, बाजरे का हिसाब मैं दूंगा आपको। बाजरे की एमएसपी आपके 1250 थी और जो आपने बाजरे की, और आज वो 2150 है, जो 83% अधिक है आपसे। और वहीं गेहूं की बात करें तो आपके 1400 थे और हमारे 1975। और जिस तरह से ये इस तरह से हर फसल के अंदर हमने 50% से अधिक इस एमएसपी के अंदर खरीद करने के अंदर हमने वृद्धि की है। आप किसानों की बात करते हैं और मैं आपको और भी बताना चाहता हूं कि आप कृषि के अंदर हमने सिर्फ एमएसपी बढ़ाना है और बजट को एमएसपी पर खरीद को बढ़ाना या डेढ़ गुणा ही नहीं, और हमने बजट को भी बढ़ाया और इसके साथ ही अन्य कई और योजनाएं भी प्रारंभ की। और जिसके अंदर चाहे हमारे, आपको बताना चाहता हूं, किसान सम्मान निधि के तौर पर, किसान सम्मान निधि के तौर पर पहली बार आपने कभी किसान को डायरेक्ट लाभ देने का काम अगर ऐसी योजना की हो तो बताइए। हमने किसान को प्रतिवर्ष 6000 रुपए उनके खाते में डालने का काम किया और आज दिन तक लगभग 10.74 करोड़ किसानों के खाते के अंदर 1,15,000 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंच चुके हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो किसान को डायरेक्ट लाभ देने का काम कर रही है। वहीं पर ये मंत्री जी, ये राहुल, ये राजीव गांधी फाउंडेशन में डालते थे उस पैसे को, वो राहुल जी गांधी फाउंडेशन में जाता। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर भी आपको बताना चाहता हूं कि आज किसानों को क्लेम है वो आपसे कई गुणा अधिक देना प्रारंभ किया। और वहीं पर पिट्टू जी बड़े आराम से सुन रहे हैं, उनको पता है कि मैं सही बोल रहा हूं। और ये कहे तो किसको कहे, पिट्टू जी को पता है। पिट्टू जी, माने पिट्टू जी आप किसान हैं, आपके खाते में 6000 भी गए। प्लीज प्लीज, आपके खाते में बिजूरी जी प्लीज, आपके खाते में आ गए। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट द मिनिस्टर प्लीज। Nothing will go on record except the minister's speech. Yes, minister, please. सर, ये किसान नहीं है इसका मतलब। फसल बीमा योजना हो चाहे उसके अंदर, फसल बीमा योजना के अंदर हमने अधिक क्लेम दिया आपसे। और वहीं पर मैं अगर बात करूं किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर, आपके समय के अंदर सिर्फ आपके समय के अंदर आपके 7,00,000 करोड़ रुपए जिस तरह से थे वो आज किसान क्रेडिट के तौर पर 15 लाख करोड़ रुपए किसान के खाते के अंदर वहाँ केसीसी के माध्यम से दिया जाता है। और 1.5 लाख करोड़ रुपए अभी और बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए के ये प्रावधान किया गया है। और वहीं पर मैं अगर बात करूँ मृदा स्वास्थ्य कार्ड की, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंदर चूरू के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका विमोचन किया और उसके बाद में 11 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिए गए। और जैविक खेती के अंदर भी हमने विशेषकर जैविक खेती के अंदर बजट का बजट विशेषकर बढ़ाने का प्रावधान किया गया ताकि जैविक खेती करने से जो आज देश के अंदर जिस तरह से ऐसी पेस्टिसाइड की वजह से बीमारियां फैल रही है तो उससे भी निजात मिल सके, इसको बढ़ावा देने के लिए हमने बजट के अंदर प्रावधान किया। और जिसके अंदर आज मैं कह सकता हूँ कि लगभग 6.9 लाख हेक्टर के अंदर इसको कवर किया गया है और 75 लाख किसानों को लाभान्वित हम करने जा रहे हैं। यूरिया, नीम कोटेड यूरिया प्रारंभ की, किस तरह से कालाबाजारी होती थी। यस मिनिस्टर। और कालाबाजारी क्या, कितना मोर समय चाहिए, मैं इसके अंदर आपसे बहुत कुछ कहना है लेकिन अभी मैं मुख्य रूप से जो इनका इश्यू है उस पे भी आऊंगा। अभी नीम कोटेड यूरिया हो चाहे आज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 1,00,000 करोड़ रुपए देने का विषय हो, आज आने वाले समय के अंदर किसान को 1,00,000 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी खर्च होगा। 10,000 FPO बनाएंगे और 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जब बनेंगे, किसानों का समूह बनेगा और उनको जिस तरह से 33 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी और उससे ये 10,000 जो FPO बनेंगे इससे किसानों को निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका लाभ हमें मिले देखने को मिलेगा, चाहे कृषि सिंचाई योजना हो चाहे माइक्रो इरिगेशन हो जिसके अंदर भी हमने इस बजट के अंदर आपने देखा होगा 5,000 करोड़ से 10,000 करोड़ करने का काम किया। और इनाम मंडी है, आज 1,000 इनाम मंडियां थी जो आज लगभग 655 मंडियां थी उसको बढ़ाकर हमने कोरोना के समय के अंदर
इसको 1000 मंडी की, और इस बजट के अंदर हम एक बार 1000 मंडियां और इनाम के साथ जोड़ेंगे, जिससे कि मार्केट के अंदर इसका लाभ मिलेगा। और मुख्य रूप से ये कई योजना, और चाहे को टीडी की स्थिति आई तो टीडी के अंदर भी हमने विशेष एनडीआरएफ फंड से मद से वहां पर उसको टीडी से मुक्ति दिलाने का काम किया, और साथ ही पहली बार ड्रोन और हेलीकॉप्टर से छिड़काव कर किसानों को राहत देने का काम किया। अब रही बात कृषि के कानूनों की, बात कानून की बात करते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आज पिछले लंबे समय से मैं सुन रहा हूं कि कृषि के किसानों के कानून काले कानून है, ये आप कहते हो। मैं पहले तो आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप अपने घोषणा पत्र को पढ़े। आपने अगर अपने घोषणा पत्र के अंदर इन रिफॉर्मों को लाने की बात अगर आपने नहीं की है, तो हम आपको कह देंगे कि वास्तव में हम गलत हैं। वरना सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि मैं पिछले लगातार इस समय जिस समय से किसानों के नाम पर राजनीति हो रही है, तब से मैं देख रहा हूं कि किस तरह से किसानों को भड़काया जा रहा है। ये किसानों के जो महत्वपूर्ण कानून बने, मैं भी किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, और बचपन से मैं खुद खेती करता हूँ, और किसान के मैंने खुद मंडी में जाकर मेरे अनाज को बेचा है। और मैं जब छोटा था तब से मैं मेरे वहाँ पर चाचा जी के साथ में जाता था मंडी में, और मैं देखता था कि मंडी के अंदर जो आड़ती हैं वो बोली लगाते थे, एक पैसा बढ़ता था तो मेरे चेहरे पर और मेरे चाचा जी के चेहरे पर खुशी आती थी कि एक एक कैसे पैसा बढ़ रहा है। किसान को पता है एक पैसे की कीमत क्या होती है, या मजाक उड़ाई जाती है 6000 रुपये दिए इससे क्या होता है। किसान को जब अपना बीज लाना होता है और उस समय जब उसको 6000 रुपये मिलते हैं, तब उसको पता चलता है कि 6000 की क्या कीमत होती है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब मैं मंडी के अंदर जाता था, तो उस समय जो मंडी के अंदर जो आड़ती होते थे वो तय कर लिया करते थे कि हमें किस रेट के अंदर अपने अनाज को बेचना है। उस समय मैं सोचता था कि मैं अपने उत्पादन को दूसरी जगह पर क्यों नहीं बेच सकता, मंडी के बाहर क्यों नहीं बेच सकता, और मंडी परिधि के बाहर बेचने की हर व्यक्ति को आजादी होती है। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे पास में ये पेन है, पेन बनाने वाली कंपनी कहीं पर भी अपने पेन को बेच सकती है, चाहे वो देश के अंदर बेचे चाहे विदेश के अंदर बेचे। ये पेपर बनाने वाली कंपनी कहीं पर भी बेच सकती है, लेकिन एक सुई बनाने वाला भी कहीं पर भी बेच सकता है, लेकिन मेरा अन्नदाता, मेरा धरती पुत्र किसान, रात दिन खेत में काम करने वाला, पानत करके काम करने वाला, अपने उत्पादन को मनचाहे स्थान पर मनचाहे व्यक्ति को नहीं बेच सकता था, उसको आजादी नहीं थी। क्यों आजादी नहीं दी मिली इतने साल तक? किसान को किसी बात की, इस बात की स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन इस कानून के माध्यम से आज तय हो गया कि आने वाले समय के अंदर किसानों के लिए ये किसानों का कानून है, ये आजादी देने वाला कानून है। अब वो किसान मनचाहे व्यक्ति को मनचाहे स्थान पर किसी भी स्थान पर बेच सकता है, इस कानून के अंदर ये प्रावधान किया गया है। और किसी प्रकार का किसान को टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा मंडी परिधि के अंदर, और मंडी परिधि के बाहर वो कोई सी प्रकार का टैक्स है, अगर मंडी परिधि के अंदर वो राज्य का अधिकार है, लेकिन मंडी परिधि के बाहर अगर कोई भी वो ट्रेड करेगा तो उसको किसी प्रकार का टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा, ये इसके अंदर प्रावधान किया गया है। इस बात की इसमें स्वतंत्रता दी गई है। और दूसरा, मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे आना चाहूंगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर किसान को गुमराह किया जा रहा है कि किसान की जमीन चली जाएगी। अभी मैं मुख्य दो मिनट ज्यादा नहीं, दो पांच मिनट में, दो तीन मिनट में पूरी बात करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर मैं बताना चाहूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर किसान अपनी फसल को बोने से पहले अपनी रेट तय कर पाएगा कि किस रेट के अंदर मेरा उत्पादन बिकेगा। आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह से सभापति मोदी जी, किसान अपने उत्पादन के अंदर, मैं एक उदाहरण देकर यह बात पूरी करूंगा, बात बताऊंगा कि एक अनार का अगर कोई व्यापारी है, और अनार के व्यापारी और किसान के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया 100 रुपए के स्टाम्प पर, और 100 रुपए के स्टाम्प पर एग्रीमेंट होने के बाद अगर रेट मान लो उसने तय की कि मेरे से अनार की रेट 30 रुपए है, और अगर उसकी रेट घट जाती है और रेट अगर 20 रुपए हो जाती है, तो व्यापारी बाध्य है कि उसको 30 रुपए के अंदर उसके अनार को खरीदना ही होगा, अन्यथा उसके ऊपर 150% की पेनल्टी लगेगी। ये इस कानून के अंदर किया गया। और वहीं पर अगर रेट बढ़कर अगर 50 रुपए हो जाती है, अनार की रेट अगर 50 रुपए हो जाती है, तो उसके अंदर किसान स्वतंत्र है, किसान बढ़ी हुई दर पर 50 रुपए में दूसरे व्यापारी को बेच सकता है, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। ये इस कानून के अंदर किया गया।
पंजाब में बंद कर देते। और वहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा सभापति मोदी जी, इसके अंदर एक बात और कहना चाहूंगा, इसमें अगर व्यापारी और किसान अगर वहां पर कोई करार के अंदर विवाद हो जाता है, एसडीएम के पास में उसकी सुनवाई का प्रावधान रखा गया है। एसडीएम अगर सुनवाई के अंदर वो अगर उसने एडवांस पैसा लिया है, अगर उसने एडवांस पैसा किसान ने लिया तो उसको वापस देने का है, लेकिन उसमें भी किसान से पूछा जाएगा, एसडीएम पूछेगा ये पैसा तुमने कब देना। अगर वो कहे कि मैं इसको 6 महीने बाद में दूंगा तो 6 महीने बाद में दे सकता है, वो कहेगा मैं किस्तों में दूंगा तो किस्तों में दे सकता है, वो कहेगा मैं अगली फसल पे दूंगा तो अगली फसल पे दे सकता है, और अगर वो भी उस पर भी किसी प्रकार का ब्याज नहीं लगेगा। और इसके अतिरिक्त भी बिट्टा जी सुनो, बिट्टू जी मैं आपको अगले अगली मुख्य बात आ रही है, आपको तकलीफ हो रही है, आपको मैं कह रहा हूं आपको इसलिए तकलीफ हो रही है, आपको बताऊं कि अगर प्लीज आज मैं यह कह दूं, बिट्टू जी सुनो, माननीय सदस्य सुनिए, अगर इसके अतिरिक्त आपको सच्ची बात कड़वी लग रही है, आज मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, और को आपको तकलीफ हो रही है, आपको यह कानूनों की जानकारी नहीं थी इसलिए आप वैसे बोल रहे थे, मैं आज पूरी बात करता हूँ। सभापति मोदी जी, इसमें अगर व्यापार किसान अगर एडवांस पैसा दिया हुआ वापस नहीं भी देता है तो भी उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई एसडीएम नहीं कर सकता इस कानून के अंदर है, तो फिर किसान की जमीन कैसे जा सकती है। आज मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ, अगर जमीन किसान की 1 इंच जमीन जाने का अगर इसमें प्रावधान हो तो मैं मंत्री पद से अभी इस्तीफा दे दूं और हमेशा के लिए राजनीति छोड़ दूं। इस तरह से किसानों को गुमराह ना करें। धन्यवाद धन्यवाद। किसानों से गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आज कहना चाहता हूं, मैं किसान यूनियन के यहां पर बैठा हूं, मैं आज कहना चाहता हूं कि किसानों के हित के ये बिल बने। और मैं आपको बताऊं सभापति महोदय जी, सच्ची बात ये ना यहाँ सुनते हैं ना दूसरी जगह कोई सुनना चाहता, उनको सुनने देते हैं, सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं सभापति मोदी जी ये सुनना नहीं चाहते, सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है। बिट्टू जी प्लीज प्लीज, सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है। सभापति जी मोदी जी, आज आपको बताना चाहूंगा, यस नाउ कंक्लूड, मैं कंक्लूड करता हूँ सभापति मोदी जी, लास्ट सेंटेंस, कि ये जिस तरह से कानून बने, किसानों के हित के कानून बने, हमने लगातार यूनियन के नेताओं से वार्ता की और बार बार वार्ता की, हमने सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर बात की और उनसे लगातार चर्चा करें कि आप उन बिंदुओं पर आइए जो आपके प्रारंभिक मुद्दे थे, और प्रारंभिक मुद्दे वो थे उनका एक एसडीएम के विषय पर था कि उसको सिविल कोर्ट के अंदर, कोई बात नहीं, एसडीएम कोर्ट में जाए या सिविल कोर्ट में जाए उनकी मर्जी, हम करेंगे। मैं क्या कह रहा हूं कि आपको कह रहा हूं ये कुछ प्रारंभिक मुद्दे जो किसान यूनियन के थे वो बता रहा हूं, और अभी आप और उसके बाद में आपके एक पराली का विषय था, इसके अतिरिक्त एक बिजली का मुद्दा था, अब वो मुद्दे तो गौण हो गए और अब रिपील की बात की जा रही है। मैं तो कहता हूं आप कानून के अंदर ऐसा कौन सा प्रावधान है जिसके अंदर आपको लगता है कि संशोधन करने की आवश्यकता है, आप बता तो दीजिए, आप सिर्फ काला कानून की बात करते हैं। मैं आपको इतना कहकर अपनी बात को पूरी करता हूं कि आपको एक बात कहना चाहूंगा, समाप्त, मैं एक शेर के साथ पूरी बात करता हूं, किसानों की जिंदगी खुशहाल बनाने चल पड़े हैं, किसानों की जिंदगी खुशहाल बनाने चल पड़े हैं, कहीं भी कभी भी बेचने अपना माल बताने चल पड़े हैं, कहीं भी कभी भी बेचने अपना माल बताने चल पड़े हैं, अब तक तो ठगा जाता रहा है मेरा किसान भाई, आज से अपनी किस्मत चमकाने चल पड़ा है। और आपको भी कह दूं, आपका बताना चाहता हूं, सुनो अभी ये जिस तरह से कर रहे, आपको बताऊं, सताया है आपने, सताया है अब तक कितने किसानों को बताओ तो जरा, आपने सताया कितने किसानों को है बताओ तो जरा, रुलाया है अब तक, रुलाया है अब तक किसने किसानों को बताओ तो जरा, किसानों के नाम पर तमाशा करने वालों बाज आओ, बरगलाया है किसने,
भोले किसान को बताओ तो जरा। इसलिए कहना चाहता हूं, आपने 60 साल तक सिर्फ किसान के नाम पर राजनीति की, लेकिन मेरा किसान भाइयों से निवेदन है कि आज पूरा देश निश्चित रूप से, हम तो यही कहते हैं कि वार्ता से ही समाधान निकलता है, और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने इस बात को कहा है। धन्यवाद अमर सिंह जी। निश्चित रूप से मैं तो यही कहता हूं कि आप भी इसमें आग में घी डालने का ये काम कर रहे हैं। बस मेरा तो इतना ही कहना है कि हम सब देश के किसान को आत्मनिर्भर बनाएं, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। थैंक यू।